हेलो दोस्त, 7 तारीख का न्यूज आ चुका है कि 50% के पार चला गया 1 जनवरी 2024 से डी रेंज अलाउंस का। लेकिन डीए 2024 में इससे पार हो गया, इसका असर लेवल 1 और ग्रुप डी या लेवल 1 या ग्रुप डी पे एचआरए लाभ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक कैंडिडेट का प्रश्न है। उसी प्रश्न को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो मैं कहूँगा लाभ नहीं मिल रहा है, कैसे वो समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए साथ में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल की मेरिट पे और अपनी डिसीजन पे सब्सक्राइब और डिससब्सक्राइब हिसाब से कर लीजिएगा। साथ में एचआर में बढ़ोतरी जो हुआ है 30% एक सिटी में, दिल्ली मुंबई कोलकाता बड़े शहरों में जहाँ पे एक सिटी की क्लास है, 20% वाई सिटी में और जेड सिटी में 10% हुआ है। इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, तो एक चीज़ छोड़ के ये 30% 20% वाला कैंडिडेट ग्रुप डी में नहीं मिलेगा। क्यों? लेवल 1 में चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, में रेलवे के हो या और भी कोई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ISSS सिलेक्शन ऑफिशियल जॉब जितने भी हों, उसमें नहीं मिलेगा लेवल 1 वाले कैंडिडेट का। इसका कारण ये है कि लेवल 1 के लिए जो मिनिमम अमाउंट जो फिक्स की गई थी वो यही था 30%, 20% और 10%, यानी सबसे कम पैसा जो मिलेगा किसी को HRA वो यही था पहले भी, समझ गए। और वो किस पे था, तो लेवल 1 पोस्ट जो जिसका बेसिक 18,000 बार लाख था उन्हीं के लिए था। यानी सबसे कम जो अमाउंट मिलना था एक्स क्लास में 5400, वाई क्लास में 3600 और आपका जेड क्लास में 1900 रुपये या 1800 रुपये, सॉरी 1800, ये अमाउंट 10%, 20% और 30% ही था जो पहले से ज़्यादा मिल रहा था, तो इनका बढ़ने का संभावना अभी तो नहीं है। चलिए डिटेल में देखते हैं एक एक करके क्या क्या बढ़ा है। तो सबसे पहले आते हैं जो आपका लेवल 1 और ग्रुप डी का जो था 2017 में जब CPC 7 की बात हुई थी, उसमें सबके लिए एक रूल आया था जिसमें बोला गया था कि जो आपका ऑफिस का मेमोरेंडम है जिसमें आपका HRA वगैरह के लिए HRA के लिए क्या रूल रहेगा उसका क्लेरिफिकेशन था। उसमें 3 पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 2 जो था वो था आपका सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पोर्टेंट था। किसी भी एम्प्लॉय को अगर एक सिटी में रहता है तो 5400 से कम नहीं दिया जाएगा HRA, वाई सिटी में रहेगा तो 3600 और 1800। यानी सिंपल सी बात कर दूं कि अभी जो बात किया जा रहा है कि एक सिटी में 30% आपका है, वाई सिटी में 20% है और जेड सिटी में आपको 10% होगा DA 50% पहुंचने के बाद। तो DA अभी 50% हो गया है 1 जनवरी 2024 से, तो ये अमाउंट जो 30% होगी, जिनका बेसिक 18,000 होगा गुना में 30% करेंगे तो ये 18,354 ही होता है और 5400 इनको मैक्सिमम जो मिनिमम अमाउंट था वो पहले से ही मिलते आ रहा है, और 3600 वाई सिटी में और जेड सिटी में आपको 1800 रुपये ये पहले से ही मिलते आ रहा है 2017 से। तो 2024 में इसमें कोई लेवल 1 में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो अब सवाल आएगा कि लेवल 2, 3, 4, 5 में बढ़ोतरी होगी, तो हाँ जी हाँ, और वो बढ़ोतरी आपको सिग्निफिकेंट होगा, उसके लिए हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ में कुछ लोगों का क्वेरी था कि इनके 4% डीए तो बढ़ोतरी में मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। कुछ लोगों का था कि ट्रैवलिंग अलाउंस TA में भी होगा क्या, तो TA का देखिए अलग रूल है और उसके लिए आपको किलोमीटर और कितनी दूर अपने हेडक्वार्टर से रहते हैं वो सब चीज़ें रूल फॉलो होता है, उसमें बेसिक से ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन टाइम के टाइम आपकी किराया, रहने दहने, खाने का बढ़ रहा है एरिया, तो गवर्नमेंट को उस पर रिवाइज तो करनी ही चाहिए। TA DA भी जो भी मिलता है TA को DA के साथ, तो ये दिक्कत हो आपको सॉल्व देख लिए। अब चलते हैं आपकी डाटा पे, तो मैं डाटा आता हूँ DA कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले जो चैनल पे हैं इसमें और विश्वास किए हैं चैनल पे, उनके लिए एक तालियां तो बजती है कि हमने जो कैलकुलेशन यहाँ किया था, क्या कैलकुलेशन किया था, पूरी डाटा आंकड़े के निकाल के हमने आपके साथ जो बात किया था कि 1 जनवरी 2024 को कितना DA मिलेगा रेलवे लाइफ चैनल की तरफ से, वो था 50.28 कैलकुलेशन था और आपको मिला कितना है 50%।
तो 0.28 का मार्जिन अभी आपका उधार रह गया है, ये उधार 0.28 कौन देगा, तो ये मिलेगा आपको 1 जुलाई 2024 में। अगर ये 0.28 नहीं, 0.50 या 56 या 60 होता 50 के बाद, तो ये आपको 51% डीए मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, ये 0.28 आपका उधार रह गया है, ये आपको अगले कैलकुलेशन में हम जो अभी कर रहे हैं आपके साथ शुरू करेंगे, 1 जुलाई 2024 से कितना मिलेगा डीए उसमें ऐड हो जाएगा। और ऐड कैसे होगा, तो एक साल का डाटा फिर हमें लेना पड़ेगा। एक साल में जनवरी तक का डाटा ऑलरेडी हम लोगों ने दिसंबर तक का डाटा हमने ऑलरेडी 6 महीने का डिस्कस कर रखा है। जब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर उठा लिए वहीं से, जनवरी का डाटा आपको, जनवरी 24 का डाटा 29 फरवरी 2023 को आ गया है, मार्च का डाटा आपको 27-28 में आएगा, 27-28-29 मार्च को आएगा फरवरी का डाटा, तो ऐड कर देंगे। तो तीनों डाटा को अगर हम अभी मान लेते हैं कि अभी जो महंगाई दर चल रहा है 138.9 यही रहेगा, तो हमें 1 जुलाई को कितना मिलेगा डीरेंस अलाउंस, वो आपको बन रहा है 0.28 वाला लगा के कितना बन रहा है आपको, तो ये बन रहा है 52.97, यानी 53% डीए बन गया है। अगर ये डाटा बढ़ेगा तो डाटा बढ़ने के बाद आपको ये हो सकता है फिर से 4% होके 54-55% पे ही 54% के आसपास प्लस में आपका बन जाए। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अगले 5 महीने में कितनी महंगाई दर रहती है, जो हमने अभी कांस्टेंट मान के चले हैं कि अगर कम से कम इतना भी रहा, कोई घटा बढ़ा नहीं, तो हमारा अभी महंगाई दर 53 बनेगा, यानी डीरेंस अलाउंस हमारा 1 जुलाई 2024 को मिलेगा। अब सवाल उठा है कि तीसरा जो लोगों का सवाल था, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है कि ग्रुप डी वाले वगैरह वगैरह का क्या होगा डीए, तो देखिए मैंने उसके लिए कैलकुलेशन पूरी आपके लिए सीट निकाल रखी है। तो देखिए पहले क्या हो रहा था, 27% मिलनी चाहिए थी। लेवल वन की पहले बात कर लेते हैं, लेवल वन को 27% मिलता तो पहले के डेट में एक सीटी में, वाई सीटी में और जेड सीटी में तीनों का हमने डिवाइड कर रखा है, तो 4860 मिलता। लेकिन गवर्नमेंट ने नियम क्या निकाला था 2017 वाले में, मैंने अभी आपको दिखाया कि कम से कम 5400 एक सीटी में चाहिए, क्या चाहिए, महंगाई दर 5400 रुपये चाहिए। तो कुल मिला के जो 4860 था, ये नहीं देके गवर्नमेंट क्या करती थी, 5400 रुपये देती थी, जो आज बढ़ने के बाद भी 5400 हो रहा है, यानी 5400 बराबर 0, यानी इनके लिए कोई महंगाई भत्ता अभी नहीं बन रहा है। जो 5400 में पहले मिल रहा था वही आपको महंगाई भत्ता नहीं, सॉरी, एचआरए हाउस रेंट अनाउंस फुल फॉर्म जिसका है वो नहीं बढ़ रहा है, वही मिलेगा 5400, 3600 और 1800 जो मिनिमम पहले दिया जाता था। यानी लेवल वन का आज 50% होने के बाद थोड़ा सा नुकसान है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के 48 लाख एम्प्लाई या 20 लाख एम्प्लाई और पेंशनर अलग अलग लोग बताते हैं, यानी 20, 25, 30 लाख जो भी एम्प्लाई है, तो 20 लाख में से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें ये यही रह जाएगी। और ये कितनी संख्या है उसको थोड़ा सा हम डाटा से ले लें तो थोड़ा अच्छा है कि रेलवे के कितनी एम्प्लाई है, रेलवे के अंदर पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का कितनी एम्प्लाई है उसको डाटा से एक बार ले लें, क्योंकि ऐसे बात करना सही नहीं है। एक मिनट, यहाँ से डाटा से ले लेता है हम आपके साथ, गलत चीज़ की बात करना अच्छा नहीं रहता, तो डाटा से लेंगे। तो रेलवे ही कह रहा है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं उनको बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट कितने 1 लाख का होगा, वो डीरे रेलवे पे जितना इतना 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 इस पर 48 लाख एम्प्लाई को, 49 लाख एम्प्लाई को मिलेगा, और 67 लाख लोग पेंशनर को भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो 49 लाख में करीब करीब 12 लाख के आसपास रेलवे के हैं, बाकी और अलग अलग डिपार्टमेंट का है, इसमें पुलिस फोर्स वगैरह सब भी सेंट्रल फोर्स के जो है वो सारे आते हैं। तो कुल मिला के इतने लोगों के लिए बेनिफिट है, उसमें से अगर कहें 48 लाख वर्किंग है, इसमें से लेवल वन की बात कीजिएगा
तो कम से कम 20% से तो ऊपर 30-40% इम्प्लाई होंगे, तो इनको तो ये चार ए का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, डी ए का मिलेगा मर्जर होने के बाद। तो चलिए ये तो रूल है गवर्नमेंट का, उसको कुछ नहीं कर सकते। अब किसका लेवल वन टू वन का करिएगा, तो देखिए लेवल वन में अगर टू में कहें तो पहले 5373 मिल रहा था, अब 59 होगा, तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा। एक्स क्लास सिटी में अगर लेवल टू का कोई भी पोस्ट हो, पोस्ट नाम मैंने लिख रखा है एलपी टेक्नीशियन अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर क्लर्क, ये रेलवे के हिसाब से है, बाकी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग होगा। इन सबको पोस्ट में कम से कम कितने का बेनिफिट हो रहा है, तो 600 प्लस का बेनिफिट हो रहा है, 600 के आसपास बेनिफिट हो रहा है। उसी तरह अगर लेवल थ्री में देखेंगे तो लेवल थ्री में जिनका बेसिक 21,700 है और आज ही ज्वाइन किए हैं, आगे नहीं बढ़े हैं, उनको कितना एचआरए में बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 65,527 यानी 650 रुपये बेनिफिट हो रहे हैं एचबीए में पर मंथ। उसके बाद अगर बात करेंगे लेवल फाइव फोर में कहें, यानी लेवल फोर का जिनका बेसिक 25,500 है, उनको करीब करीब 800 प्लस रुपये बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद लेवल फाइव में 29,200 वाले कैंडिडेट का पूरे करीब 900 प्लस बेनिफिट हो रहा है एक सिटी में। और जैसे जेई वाला एरिया पहुंचते हैं जूनियर इंजीनियर या इसमें स्टेशन मास्टर वाला पोस्ट 35,400 में, तो यहाँ करीब करीब 1,000 प्लस हो जाएंगे, यानी यहाँ 9,500 से देखिए 1,500 यानी 1,000 प्लस में चला जाएगा, और उसके बाद आगे वाले पोस्टों में और बढ़ जाएगा एक सिटी के लिए, वाई सिटी के लिए अलग। तो कुल मिला के कहें कि यहाँ पूरा वीडियो को मैंने समझाने का यही कोशिश किया है कि आपका जो गवर्नमेंट का बेनिफिट हो रहा है वो 4% तो डायरेक्ट है एच आर ए, जो आपका हाउस रेंट अलाउंस जो जुड़ जाएगा वो जुड़ जाएगा आपके बेसिक के कारण से। तो बेसिक में बेनिफिट एक्स क्लास सिटी में 3%, वाई क्लास सिटी में 2% और जेड क्लास सिटी में 1% का बेनिफिट ये ऐड हो जाएगा। तो एक्स क्लास में कितना मिलेगा लोगों को बढ़ोतरी, तो 7% मिलेगा, जो मैंने पहले ऑलरेडी बोला था, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं, तो मैं क्या करूं, मेरी गलती क्या है, यानी एक्स क्लास में 7% मिलेगा, वाई क्लास में कितना मिलेगा 4 और 2 6%, और जेड क्लास की सिटी में आप रहते हैं तो 4 1 5% का बेनिफिट मिलेगा। बेसिक किसी को कैलकुलेशन करना है तो अपना सैलरी स्लिप उठाए, उसमें बेसिक देखिए कि आपका बेसिक मान लीजिए 40,000 है और आप सिटी एक्स में रहते हैं तो 7% आपको मिलेगा, यानी 2,800 रुपये आपको इस के कारण से मिलेगा लगभग। अगर आपकी बेसिक 50,000 है तो 50,000 पे आपको 3,500 रुपये मिलेगा वो एक्स्ट्रा ज़्यादा के रूप में। उसी तरह जितना जिनका बेसिक है कैलकुलेशन कर सकते हैं। और लेवल वन के लिए तो आपको बता ही दिए कि उनको मैक्सिमम दिया जा रहा था 2017 से, वो अगर सीलिंग लिमिट बढ़ती है तो आपको बेनिफिट है, नहीं तो अभी के हिसाब से तो 5400 ही बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।